जाऊं सर, सर एक फोटो सर आपके साथ सर। ना है वो आप ही जानते हैं, दुनिया नहीं जानती है। वैसे दोस्ती के बारे में एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी। लाइफ में कैसा होता है, जिंदगी में सोचो ऐसा एक मौका आए जब आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चले जाए। माँ बोलेगी कि अरे उसी का लॉस है, बाप बोलेगा कि मर्द बन बी अ मैन, दोस्त बोलेगा चल यार दारू पीते हैं। एग्जाम में फेल हो गए तो माँ बोलेगी आग लगी ऐसे कॉलेज को, बाप बोलेगा तुम्हारे ही लाड़ प्यार ने बिगाड़ा है, दोस्त बोलेंगे चल यार चल के दारू पीते हैं। बर्थडे हो तो माँ बोलेगी झुक झुक जियो फूलो फलो, बाप बोलेगा कि बस आगे बढ़ते चले जाओ, पर दोस्त बोलेंगे कि चल यार दारू पीते हैं। इसी दोस्ती के नाम आज हम लेकर के आए हैं फिल्म आप सभी के सामने आज मैं लेकर के आई हूँ। आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म मिस्टर विजय मूलचंदानी। सर कैन वी प्लीज हैव यू ऑन स्टेज। Also, can I please have on stage the co-producer of the film, Mr. Karan Moolchandani? Aye, please. Sir, once again, congratulations. Kya khoob trailer lag raha hai. Feeling badi achhi hogi. Ek extra mic denge, please, zara yahan par. Thank you. Thank you so much. Yahi rakhiye, please. Ek aur mic. कैसा लग रहा है अब आपको, आपने फाइनली ऐसा बड़े पर्दे पर यहाँ पर सबका रिएक्शन भी देखा है, एवरीबॉडी इज लाफिंग एंड क्लैपिंग, कैसा लग रहा है ऐसा तालियां बजते हुए देख करके? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और इस पिक्चर की सबसे शुरुआत जो की है वो अंकल ने की है, इनकी वजह से ही जो है शुरुआत हुई है #11 की जी। एक चीज जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ विजय जी, आप बताना चाहें या करण आप, कि इंडस्ट्रीज में रहते हुए बिजनेस देखें किसकी है? और 11 इस वही लाइफ मूवी और 11 के लिए है तो न्यू विद के लिए आपको बहुत अच्छा लगा तो लोगों को भी चला देगा। जोरदार तालियां हो जाए। It's a wonderful thing that you are doing and we hope कि अब इसके बाद में बार बार लगातार हम ऐसी ही फिल्में देखते रहें। Thank you so much। आप यहीं पर स्टेज पे रहिए मेरे साथ। मैं उसी के साथ बुलाना चाहूंगी द कैप्टन ऑफ द शिप, उस शख्स को जिन्होंने कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया है लेकिन उसी के साथ में ये बहुत बुली भी हुए हैं प्रतीक से। ये मैं प्रतीक से बाद में पूछने वाली हूँ। आई नो दैट आई हैव ऑल द इनसाइड स्टोरीज an ace fashion photographer, an ad filmmaker and now the director of the film #11, ladies and gentlemen, Ovais Khan. Ovais ji, thank you so much for joining me on stage. सबसे पहले तो आपसे भी यही जानना चाहूंगी ये जो इमेंस रिस्पांस मिल रहा है अब ट्रेलर को, अब कैसा लग रहा है, अब थोड़ी शांति हुई है? Oh, I'm very excited right now. I am sure. And nervous also too. एंड जो बुली वाली बात आप बोल रहे थे जी, सिद्धांत एंड प्रतीक ने मेरे को बहुत बुली किया है मॉरिशस में इन एंड आउट, बट यस दे वर वेरी कॉम्पिटिटिव एंड दे हैव डन दे वेरी नाइस जॉब, यू नो वी लव देम इन दोस कैरेक्टर्स व्हाट दे हैव प्लेड। आई थिंक यू आर जस्ट ट्राइंग टू कवर अप फॉर योर कास्ट। मैं उन लोगों से पूछूंगी उनकी क्या कारिस्तानी थी। श्योर श्योर, उसके लिए वेट करना है। बट यू नो वी आर कॉलिंग दिस अ न्यू एज कंट्रोवर्शियल बट येट न्यू एज लव स्टोरी। आपको मुझे बताना है, डू यू रियली फील दैट देयर हैज बीन अ डिफरेंस, जो पहले रिलेशनशिप्स होते थे और अब कुछ बदल गए हैं, ऐसा हुआ है क्या? Yes, of course, because now things are changing very fast. We are into digital era and all stuff. But yes, जो relationship का जो meaning था वो हल करके change हो रहा है. And that's what we have tried to put it in this movie. कि there are certain social problems which are there, but we want to convey the youth, today's audience, कि उनको कैसे change समझा जा सके कि कैसे उनको tackle करना चाहिए। तो इस पे मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी एंड पक्का लास्ट सवाल है ये मेरा। आई हैव एक्चुअली टू मेनी थिंग्स इन माय माइंड दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू, बट देन इन दैट केस इट लुक्स रियली फन एंड फ्रॉलिक एंड दो दोस्त एंड लड़कियां एंड ऑल ऑफ दैट एंड लुक्स लाइक अ वेरी नाइस यूथ सेंट्रिक फिल्म, लेकिन ये क्या ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है या ट्रू स्टोरीज पे बेस्ड है, ऐसा है क्या? यस वेरी मच, ये जितनी भी पूरी कहानी है ये अपने ही सोसाइटी से निकाली गई है
And the problem जो problem ये picture deal करती is not about India, it's about around the world. जो कुछ women certain society के women face करती है. तो it's not about only Indian problem, it's about around the world. जो भी women हैं वो उनको face किया जाता है. तो certain things will come up very sure after the trailer. That's right. Actually, I would like to add there कि there is a twist जो कि इस कहानी के plot में आने वाला है. बहुत ही जल्दी पता चलने वाला है. You guys have to wait for that and your mind will be blown when you come to know what the movie is actually standing for. But with this, I would like to call on stage the cast of the film. सबसे पहले the very handsome Pradeep Babbar. You. The outstanding performer Siddhant Kapoor. The gorgeous Subha Rajput. And the beautiful Ishita Raj. Wow, I think I should go there. Aap log please just take the picture there. Yeah, please come. We have these hotnesses here. That is why garmi ho rahi hai. Okay. Sabse pehle to. Oh yeah. Can we have some more mics here, please? Jo extra mic hai, yahan pe de dijiye. Yeah, I'll just keep these two extra mics. Here we go. Yeah, thank you. So, सबसे पहले तो जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे. क्या आपने अपने डायरेक्टर साहब को बुली किया? क्या कर रहे थे आप दोनों मिलकर के, बताइए जरा. ये यारम के नाम पे क्या चल रहा था टॉर्चर? पहले तो मैं सबका शुक्रिया करना चाहूँगा. थैंक यू, आप सब आए हमें सपोर्ट करने. और ये ट्रेलर देख के हम बहुत खुश हो गए. और थोड़ी थोड़ी नर्वसनेस कम हो गई है. लेकिन आपकी फिल्म भी देखनी है, आपकी फिल्म देखी नहीं है. लेकिन सो फार सो गुड, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंट्रीगिंग लग रहा है. और कमिंग बैक टू यू, बुलिंग, यस, हम लोग ने कुछ बुली नहीं किया. नहीं नहीं सर, ऐसे ही कह रहे हैं, हम लोग ने कुछ नहीं किया. चार चार बजे उठाते थे सर हमें और हम लोग पहुँच जाते थे. एक महीना तो हम लोग वी एक्चुअली शॉट इन मॉरीशस. मॉरीशस में फिल्म शूट किया हम लोग ने. तो हमने यार मॉरीशस में आके 4 बजे कौन उठता है, लेकिन करना पड़ा. और एक तो कहीं ऐसा बुलिंग तो नहीं हो रहा था कि उन्होंने कॉल टाइम सुबह के 4 बजे का दिया था और आप दोनों दोपहर में 4 बजे पहुंच रहे हैं? ऐसे कुछ नहीं हुआ, ऐसे कुछ नहीं हुआ. नहीं, बुलिंग हंसी मजाक मस्ती प्यार मोहब्बत में. But that's wonderful. वो मटेरियल निकलने वाला है जो हम लोगों ने शूट किया है. मैंने बहुत सारे वीडियोस लिए ओएस सर के, और स्नैपचैट वीडियोस अलग अलग से, यू नो, उनको औरत बना दिया था, डोंकी बना दिया था. तो वो आई थिंक मेकिंग में हम डालने वाले हैं अभी, वो धीरे धीरे डालने वाले. चलिए, तो अब तो मेकिंग का भी ऐसे लॉन्च करना पड़ेगा यहाँ पर. इट्स गोइंग टू बी अ बिग हिट. आई थिंक बहुत खींचा है ये दोनों. हम सर की करते थे, सर हम हमारे करते थे, हम चारों सब सबके खिंचा के देते. इट वाज अ गुड टाइम, इट वाज अ वेरी ब्लेस्ड टाइम. बहुत ब्लेस्ड थे हम उस वक्त के लिए और उस दौरान शूट पे. यू नो, बहुत ही पॉजिटिव एटमोसफियर था. और आई थिंक इसीलिए अगर फिल्म अच्छी हो तो उसी लिए अच्छी होगी सर, बिकॉज एंड जस्ट अ हैप्पी प्रोएक्टिव पॉजिटिव. But you know, taking from there, Pratik, actually, मेरा अगला सवाल जो है वो थोड़ा सा different होने वाला है, because we've been having fun and you know we've been talking about all the happy things and quirky things around the movie. लेकिन जितना ये film एक youth centric love, controversial love story या betrayal वगैरह के बारे में लग रही है, I have heard. So please tell me, you know, if I'm wrong, but correct me. But I have heard कि इस movie में कुछ love jihad के बारे में भी बात हो रही है, and one of the boys converts the religion and all of that. So tell me something about it if you're comfortable. That's correct. Absolutely. नहीं, वे बिल्कुल 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 comfortable हैं. It's a part of the story and it's a very it's a very strong issue in today's world. और ऐसे काफ़ी और इश्यूज हैं जो हम बात नहीं करना चाहेंगे, अभी वो फिल्म देख के आप जान जाएंगे. लेकिन सिंस आपने कहा है लव जिहाद, वो हल्का हमने एक टॉपिक ब्रश किया है कि जब जब एक इंसान, एक रिलीजन का इंसान, एक अलग दूसरे रिलीजन के इंसान के साथ शादी करना चाहता है कन्वर्ट करके,
दैट इज द प्रोसेस ऑफ लव जिहाद. तो वो हुआ है इस कहानी में, वो थोड़ा बहुत है और भी कुछ कंट्रोवर्शियल और सेंसिटिव टॉपिक्स हैं जो हमने टच किए हैं और एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज चलाता है उसमें आपको देखने मिलेगा. तो यस ये है, सो इट्स नॉट ओनली अबाउट फन एंड गेम्स और दोस्ती यारी के बारे में, सिर्फ वही नहीं है, इसमें बहुत ही सेंसिटिव स्ट्रॉन्ग इश्यूज हैं जो हम होप करते हैं कि ऑडियंस रिलेट करें, रेजोनेट हुए और समझ पाए कि कितने महत्वपूर्ण होते हैं. दैट इज वंडरफुल एंड आई थिंक इससे बेहतर जरिया नहीं हो सकता है ऐसा एक टॉपिक हमारे यंग जनरेशन के सामने लेकर के आने का. सो वंडरफुल एंड मेकिंग इट लुक सो यंग एंड फ्रेश इज यू नो द की. सो आई थिंक एब्सोल्युटली दैट ओवेस इज सक्सेसफुल देयर. दैट्स आल्सो या विच इज परफेक्ट. Of course, there is, उसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं है. मतलब ये सक्सेसफुल हो गया, मैंने आपको बताया ये सक्सेसफुल की हो गया. इसी तरह आपसे हम पूछना चाहेंगे, एक यहाँ पे एक सवाल मूवी ने रेज किया था, टीजर के साथ में ये रेज कर दिया था कि प्यार दोस्ती है, लेकिन क्या दोस्ती प्यार है, क्या दोस्ती में प्यार होना चाहिए? आप थोड़ा इसके बारे में क्लैरिफाई करेंगे, वॉट इज मोर इम्पोर्टेंट, प्यार में दोस्ती होना या दोस्ती में प्यार होना? हेलो, थैंक यू फॉर कमिंग. As you've seen the trailer, we've tried to attempt to make, try to touch a social topic. Yeah. And tell it through, a light-hearted, easy movie. So, we are trying to tell what is more important, either it's love or it's friendship. It's actually, you can't pick one. It's all so interconnected. It's all, even in love you need to have friendship, and even in friendship you need to have love. So, hello. Yeah, so that's exactly that we're trying to convey through the story, that you can't pick. You can't pick between a friend, or you can't pick between a friend and a girlfriend, or probably the girl you love. You have to make choices in your life, which will inculcate every relationship that you have, right. And you need to value all of it. मतलब प्यार में बिट्रेल जो है उसके बारे में सब बात करते हैं, लेकिन दोस्ती के धोखे के बारे में अब बात करेंगे हम इस फिल्म के साथ में. सिद्धांत, मैं आपसे ना एक बहुत ही मजेदार सवाल करने वाली हूँ. यू हैव टू टेल मी अबाउट द ब्रो कोड. ओके, आई हैव हर्ड कि लड़कों में ना देयर इज अ ब्रो कोड, चाहे वो लड़की को लेकर के हो या बाकी चीजों को लेकर के हो. गुड इवनिंग एवरीवन, बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने के लिए. ब्रो कोड हम दोनों के बीच में काफी स्ट्रांग है क्योंकि हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, तो एक ब्रो कोड बहुत स्ट्रांग चीज होती है, लेकिन वो कभी कभी ना वो फिसल जाती है. उसमें ऐसा होता है ना कि मतलब ये मेरी वाली है तो तेरी भाभी है फॉरएवर. इफ यू नो आजकल के जमाने में रिलेशनशिप्स आर नॉट एज व्हाट इट यूज्ड टू बी लाइक 20 इयर्स अगो. एब्सोल्युटली, जमाना बदल गया है, लोग शादी करने से डर रहे हैं आजकल, लोग शादी करने के बाद डर रहे हैं आजकल. तो हमेशा से ये सारे लव जिहाद है, बाकी और टॉपिक्स है जो हम अभी उनका उसका जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसा मैसेज है जो शिखा ने मेंशन किया, बहुत ही फन लविंग वे में, बहुत ही दोस्ती यारी हुई हुई हम चारों के बीच में जो कहानी है, और अनीता मैम और दलिता इन सभी फिल्म में है. तो इट्स अ फन प्लॉट, बहुत ही अच्छा क्रू है हम लोगों का, बहुत ही ज़्यादा ब्रदर्स हम लोग के बना दिए फिल्म में, को बहुत बोली किया हमने. तो एक ब्रो कोड जैसी चीज है जो कभी फिसल सकती है. आल्सो यू नो आई वुड लाइक टू मेंशन ब्रो कोड से आपने बोला, इफ देयर इज रोमांस इन द फिल्म इट्स ओनली बिटवीन दीस टू. ओह, सो इट्स अ ब्रोमांस. या सो दिस इज द ऑफसेट आई एम टेलिंग यू. या वी डिडंट सी अ सीन जहां पे ऐसा आप टी-शर्ट जो उतार के देते हैं, ले तेरी टी-शर्ट फेंकते हैं. हम लोग रियल लाइफ की तरह ब्रेकअप पैच अप और लोग बहुत कुछ सोच रहे हैं कि टी-शर्ट निकाल के फेंक दिया है क्या. हमारा ब्रेकअप कभी नहीं हुआ है. ब्रेकअप इनका तो नहीं होगा, किसी और के साथ दोनों करवा दें, लेकिन इन दोनों का नहीं होगा. Siddhant, I also have to congratulate you for the choice of movie that you've made. We are going to see you in a completely different kind of a role in Avatar. Yeah, so. मैंने कभी ऐसी फिल्म की भी नहीं और कभी सोचा भी नहीं था मैं करूँगा. But बहुत मजा आया, बहुत ही ज़्यादा मजा आया. It's a change for sure. सुबह सब लोगों ने यहाँ पर बोल दिया है कि बहुत मज़ा आया. मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कितना मज़ा आया. ऑल्सो बिकॉज मुझे अंदर की बात पता चली है दैट द शूट क्योंकि मॉरिशस में था, सो इट वॉज काइंड ऑफ लाइक अ वेकेशन फॉर एवरीबडी. इज दैट ट्रू? थैंक यू विजय सर फॉर गिविंग अस अ वेरी गुड वेकेशन. मुझे अब क्यों बुलाया, मुझे तभी बुला लेते
movie. But yeah, it was like a vacation, especially for me because I had a lot of hops and I could just go around and explore the place. It was amazing. Thank you for choosing the location. I loved it. और हमारी हीरोइन दोनों यानी एक यानी एक्चुअली आप भी चिल थोड़ी थे हम दोनों आप दोनों तो रोज यार हम भी रोज शाम में जोड़ के बट नो बट वी हैड I used to tell them all the fun I had during the day and they used to be all jealous. Oh my god, what did you guys like also then party at night and like chill and get together? चार बजे उठ के कौन पार्टी करेगा? We have an off. We cannot go and party because of early morning call time. But it went like an absolute breeze. हमें पता नहीं चला हम काम कर रहे हैं. जब हम लोग ने फिर scenes देखे थोड़े बहुत कुछ flashes देखे. Yeah. बहुत ज़्यादा काम हुआ है वो एक महीने में और बड़े-बड़े dialogue और लंबे-लंबे और monologue type. हमें तो मतलब छोटी काम है. Mic. Hello. Hi. Thank you so much. This was a fun conversation and chat. And with this, I would also like to call on stage Mr. Harish Patel, who is the distributor for the film and has been a part of 30 to 40 films before this as distributor. Thank you so much, sir, for being a part of this event and for supporting the film. Please, I hear you. Thank you so much. Hello. I'd like to just ask Shakti sir to come on, please. Oh yes, please. Sir, please, without your Shakti, sir, classics, please. We're not up. Please. Sir, sir, please. Thank you for coming, Paul. Sir, लेकिन आपसे जानना जरूर चाहूंगी मैं आपने ट्रेलर देखा है अब तो व्हाट इज द फीलिंग आपके पास इतने सालों से आप देखते आ रहे हैं फिल्में बदल रही हैं कैसी बदली है आज कैसा लगा आपको ये ट्रेलर देख के मुझे बोले कान में बोलता सिर्फ उनकी तारीफ करना उसके अलावा कुछ नहीं करना है मुझे लगा मैं कोर्ट में खड़ा हूँ मैं जो कुछ बोलूंगा सच बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा पहली बार ये जिंदगी में बेटे की फिल्म रिलीज है और बाप आया है और बाप नर्वस हो रहा है नहीं मैं एक्चुअली तो दोनों ही मेरे बेटे हैं मैं तो छोटे छोटे किस्से सुना रहा था प्रतीक को भी जब ये पैदा भी नहीं हुआ था मैं अस्पताल गया था इनकी मम्मी को मिलने और फिर ये पैदा हुआ ब्लीच कैंडी में फिर एक सितारा धरती पे जन्मा जिसका नाम है प्रतीक और सेम हॉस्पिटल में मेरा बेटा पैदा हुआ यानी कि मेरे दोनों बेटे मंच में खड़े आई विश यू ऑल द बेस्ट और थैंक यू बस इतना ही और कुछ नहीं सिर्फ एक चीज और बोलूंगा मैंने गलती से फिल्म देखी है पूरी फिल्म देखी है चुपके से जाके ऑफिस में देखी है और आज मेरी बेटी मुझे बोलेगी कि मेरे फंक्शन में तो आप कभी आए नहीं बेटे के फंक्शन में चले गए मैंने कहा भैया बेटे की ये फिल्म है जो इंडस्ट्री के अंदर हंगामा करेगी क्योंकि बहुत बढ़िया फिल्म है दोनों ने बहुत सबने बहुत अच्छा काम किया है And I was really moved emotionally in this film. दोस्ती क्या होती है वो जज्बा क्या होता है डायरेक्टर साहब का काम बहुत अच्छा है I love you director. अगली फिल्म में तो कुछ दे देना हमको भी और प्रोड्यूसर साहब का दिल बहुत बड़ा है तो बहुत अच्छा खर्चा किया और डिस्ट्रीब्यूटर आए हैं इन्होंने बोला कि मैं हिंदुस्तान में जितने थिएटर हैं अगर बाहुबली को मिले थे 6,000 और अगर साहू को मिले थे 10,000 मैं 15,000 थिएटर लेके आऊंगा सर मैं झूठ नहीं बोलूंगा हाँ बाहुबली की जो
जो ताकत होती है उस हिसाब से थिएटर मिलते हैं और पिक्चर के हिसाब से थिएटर मिलते हैं। आई विल डू माई बेस्ट कि मैं इस पिक्चर के लिए जितना बेहतरीन कर सकूंगा, क्योंकि विजय मूलचंदानी इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो मैं अच्छे से अच्छा करूंगा कि ये पिक्चर मैंने खुद भी आपके साथ देखी, बराबर आप भी थे वहां पे, तो मुझे पता है कि पिक्चर में दम है, तो मैं लेवल बेस्ट ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम थिएटर करके दिखाऊं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। लेट्स हैव अ क्विक फोटो ऑफ लेडीज एंड जेंटलमैन। सभी लोग जो हैं यहीं पर हैं। हम बॉबी नानी जी से भी कहेंगे कि प्लीज आइए सर, स्टेज पे ज्वाइन कीजिए। आपका काफी सपोर्ट रहा है इस फिल्म के लिए और इट वोंट बी पॉसिबल विदाउट यू, सो प्लीज आइए। अरे हटो भाई, इससे हटो, कौन घूम रहा है? अरे भाई बैठो जी सामने और फेसिंग कैमरा प्लीज। सी साहब थोड़ा दादा जी, थोड़ा नजदीक दादा, भाई फोन। अरे ये क्या, अरे ये नेक्स्ट ओनली प्रोड्यूसर डायरेक्टर, ओनली कास्ट पहला प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर। ओके ओके दादा, दादा रुको फोटो चाहिए। फिर ऊपर आएगा शक्ति जी, आपको तो स्टेज पे ही रहना है। शक्ति साहब रुको, ज्यादा नहीं है। थैंक यू सो मच विजय जी, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू यशवी फिल्म्स बैनर आल्सो, अभी के कारण ये फिल्म बन पाई। प्रतीक पापू जी का ले लेते थे ना भारी प्रतीक सबोर गंदे क्या। ओके थैंक यू, एक शक्ति सर के साथ विजय सर ओनली थ्री थ्री तीन एक के बीच के तीन एक के बैठिया। थैंक यू।
बैठ जाना दादा बैठ धन्यवाद बैठ 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 नमस्कार थैंक यू ऑनेस्टली 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 आप सब लोगों को ट्रेलर कैसा लगा अच्छा लगा थैंक यू सबसे अहम बात होती है जब हम बोलते हैं विवादित है कॉन्ट्रीब्यूशन लफ्ज थ्रू और कुछ भी आप बॉलीवुड ऑफिस चाहे वो राजनीतिक पार्टियों के हिसाब से देख रहे हैं आप तो बोलता है कि मुझे ये चीज़ समझ में है लव जिहाद पे का भी एक एंगल है वो उठाने की कोशिश की क्या वो लव जिहाद का जो एंगल है उसमें कपल कौन प्ले कर रहा है मतलब हु इज प्लेइंग व्हाट इस फिल्म में जो कपल है वो अभी तो उसका जिक्र नहीं कर पाएंगे हम लेकिन लव जिहाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस दुनिया में और बहुत ही और टॉपिक्स है जो इसके अराउंड सर्कुलेट करते हैं और जो मायने रखते हैं औरतों के लिए फीमेल्स के लिए बहुत ही टफ डिसीजन हो जाता है लाइफ में इन चीज़ों के यू नो रिलेशनशिप्स के बारे में जो बहुत ही फन लविंग मैसेज हम लोग के यू नो दौरान जो लिखा है ओवेसर ने वो बहुत दिया है और भी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स है इसमें जो अभी हम बात नहीं कर सकते बट इट वॉज नीडेड टू बी आउट देयर दीज टॉपिक्स जैसे पृथ्वी जी ने स्टेज पे था मतलब आप दोनों को अपना बेटा बताया इतनी मोहब्बत है एक दूसरे के परिवार में जब आपका जन्म हुआ वो अस्पताल गए और साथ में ये भी जिक्र करते हैं हम यारम की बात करते हैं दोस्ती के अलग अलग मायने रखते हैं और वो ये भी कह रहे थे शक्ति जी स्टेज पे कि अब वो उस तरह की दोस्ती उस तरह की मोहब्बत रही नहीं जी क्या वजह मानते हैं वो जो एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस वक्त की अगर आप बात करें आई थिंक लोग बहुत अपने अपने में बहुत हो गए हैं अपने अपने में अपनी ज़िंदगी में अपने यू नो अपने अपने में बहुत जीना शुरू कर दिया है लोगों ने अपने एक आसपास के लोगों के लिए एक होता है लोगों के लिए जीना अपने लिए जीना और एक होता है एक बैलेंस रखना वो बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है कि अपने लिए भी जियो और आसपास के आपके चाहने वाले आप जो चाहते हैं उनके लिए भी जियो So I think the ratio is going a bit haywire. People are getting more selfish. There's, you know, there's not so much. There's a lack of love and lack of understanding. That's why there's so many problems in the world today. That's why there's it's an absolute mess, you know, everywhere. But through this film, we've tried to show how tight the bond of friendship is. And how tight even a relationship could be. And ठीक है यार problems आते हैं सब में आते हैं friends में आते हैं relationships में आते हैं लेकिन एक चीज जैसे मैंने कहा एक दूसरे के लिए जीना और वो चीज़ें करना जो एक दूसरे को खुश करती है सो ये फिल्म के थ्रू हम हमारी कोशिश यही थी कि उस relationships को उस रिलेशन मैरिज या फिर दोस्ती को हम उस तरीके से दिखाएं जैसे पहले होते थे
not to mistake it for dated, something dated. It's just the pure essence of love and friendship that we're trying to bring back with this film. Okay, Siddhant, Ungiven film mein aaiye jab hum dosti ki baat karte hain, Bachchan saab ki dostana, yaarana, Shole, Dil Chahta Hai. Aap apni film ko kis film se relate karte hain? You see something similar with your film, you identify your film? ये वैसे दूसरों फिल्म में जैसे है नहीं, ये बहुत ही अलग है बिकॉज यहाँ पर चार कैरेक्टर्स के अराउंड ये स्टोरी घूम रही है, यू नो. तो ऑफकोर्स दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत ही अलग अलग यू नो तरीके से पेशाया जा सकता है, लेकिन जो मॉडर्न टाइम्स में है, जैसे आप अगर देखेंगे एक अगर शादीशुदा कपल 25 साल पहले यू नो उनका रिलेशनशिप कैसा होता है और आज कैसा होता है, यू नो, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ योर मोबाइल फ़ोन, योर यू नो वट एवर इट इज़, यू नो, अभी ज़माना इन द 21st century बहुत ही बदल गया है. बी इट रिलेशनशिप, बी इट रिलेशंस विथ योर फैमिली, योर पेरेंट्स, योर करियर एंड एनी थिंग, यू नो, वो जो 20 साल पहले था वो जो 95-97 में था वैसे नहीं रहा है. तो वो बहुत ही ओवे सर ने बहुत ही अलग तरीके से ये कहानी बताई है, बहुत ही खूब खूबसूरत, यू नो, वे से रिलेशनशिप्स. It's not only a couple relationship, it's not only a relationship of a marriage, it's friendship, it's family, it's brothers, it's everyone involved, you know. It's family, friendship, it's betrayal, yeah. You know, there's... Who is your aim from, friend, apart from Pati? मेरे तो बहुत सारे friends हैं. बहुत सारे, हम दोनों ही बहुत सारे. हम दोनों actually similar group है हम लोग का. बहुत सारे, you know, क्या है? इंडस्ट्री के लोग नहीं है, इंडस्ट्री के लोग नहीं है, थोड़े बहुत है, लेकिन मतलब चुने गिने चुने हैं जो इंडस्ट्री के, लेकिन हमारा जो सर्कल है वो बहुत म्यूजिकली इंक्लाइंड है, वेरी म्यूजिकली इंक्लाइंड पीपल. सिद्धांत इज आल्सो म्यूजिशियन, तो मैं हम ओके. आखिरी सवाल, शक्ति जी ने तो देख ली है फिल्म, उन्होंने जाके कैसे लिखी भगवान जाने, वो देखा है, लेकिन वो क्राइम मास्टर गोगो है, वो कुछ क्राइम मास्टर गोगो है सर. श्रद्धा को भी दिखाना चाहिए और उनकी राय लेना चाहेंगे. हाँ, श्रद्धा एक्चुअली बहुत बिजी है, अभी शूटिंग कर रही है और उनकी फिल्म धड़ाधड़ रिलीज हो रही है, तो वो आज वैसे आने वाली थी लेकिन वो पहुँच नहीं पाई क्योंकि वो शॉर्ट्स में हो गई थी. ज़रूर देखेंगे वो फिल्म जल्द से जल्द. डैड ने लेकिन ही इज द बिगेस्ट क्रिटिक, उनको अगर पसंद आ गई तो मैं थोड़ा साई ऑफ रिलीफ कर सकते हैं हम. यस यस यस, थैंक यू सो मच. अच्छा, फाइनली एक फाइनली सी कंटेंट एक थिंग है, अभी के कंटेंट अच्छा दिख रहा है इस ट्रेलर को देख कर, लव जिहाद का भी थोड़ा सा मैटर है इसमें, हम ये बोल सकते हैं आगे से अगर कुछ कॉन्ट्रोवर्सी कुछ प्रॉब्लम्स हुए तो उसे किस तरह से फेस करेंगे? प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, ये ऑलरेडी ये फिल्म प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम्स लाने के लिए. You know, for a lady, it's really respectable. You know, after they watch this film, it'll be. I'm really sure that it'll be a different world out there. ऐसे नहीं कि लोग नहीं जानते in situations or circumstances के बारे में, ऐसे नहीं कि नहीं जानते. Already existing है, existing problems है, existing issues हैं. लोग बात नहीं करते. लोग बात करते हैं तो टैबू की तरह बात करते हैं कि नहीं यार ये गलत है. तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ये सिर्फ एक प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं क्रिएट करेगा और इनफैक्ट और जानकारी होगी लोगों को इसके बारे में और फिर अकॉर्डिंगली बस उनको डिसीजंस लेने हैं कि कैसे आप जिए इन प्रॉब्लम्स को होते हुए जी एब्सोल्युटली कैसे फेस करें, कैसे जिए, सॉल्व कैसे करें कितनी सोच बदलेगी इस फिल्म के बाद? आई थिंक बदलनी चाहिए बिकॉज काफ़ी जी बिकॉज लाइट हार्टेड तरीके से हम लोग बताना चाह रहे हैं, एक फन तरीके से लव फ्रेंडशिप रिलेशनशिप्स यू नो को फोकसिंग ऑन दैट है ना. तो आई थिंक इट विल बी वेरी वेल एक्सेप्टेड इन दैट मैनर. जस्ट रिलेशनशिप्स, यू नो, रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स कैसे होते हैं, अगर एक रिलेशनशिप में एक कपल में एक अगर लड़का एक लड़की के लिए कुछ अच्छे तरीके से करने जाता है तो लड़की कैसे उल्टा देख लेती है, यू नो, इट्स अ लॉट ऑफ लर्निंग फॉर दिस फिल्म. इट्स एग्जिस्टिंग डे टू डे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, फ्रेंडशिप प्रॉब्लम्स, फ्रेंडशिप के अप्स एंड डाउन्स, रिलेशनशिप के अप्स एंड डाउन्स एग्जिस्टिंग है सारा, और हल्के हल्के वो आप जैसे आपने कहा कॉन्ट्रोवर्शियल इशूज हैं हल्के हल्के so existing. So I think it will be, in my opinion, I think it will only give, it will only make people more aware, which is what we're trying to do. Thank you so much. Matter how lengthy a role is, it matters what the impact you have in the film.
एंड इतना बड़ा इम्पैक्ट तो खूबसूरती, मैं बोल रहा था ये खूबसूरत लड़की कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, जेन्युइनली मेरा लोगों का दिन बनता है, मेरा साल बन गया बिकॉज कमिंग फ्रॉम हिम, सो लाइक आई एम बिग फैन, आई रियली लव हिज वर्क, नंदू सबका बंधु सबको पता है, एंड कमिंग सम ब्यूटीफुल लाइंस कमिंग फ्रॉम हिम, एक्चुअली मेरा साल बन गया है, आई हैव नथिंग मोर टू से। बड़ा अच्छा लगता है कि मैं भी जब आया था इस इंडस्ट्री में 20-21 साल का था और ऐसे शैतानी रोल भी किए, ऐसे दोस्ती के रोल भी किए, आज वॉचिंग ऑल दीज लवली एक्टर्स, दे ऑल लाइक माई किड्स एंड आई विश देम सो मच लव, सो मच अ बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर, बिकॉज ये पिक्चर देखने के बाद सबकी परफॉर्मेंसेस, हम तो सोचते थे कि हम जब बिगनिंग की, कुणाल आई विल बी सीइंग यू इन अ मिनट, हाँ मैं ये सोच रहा हूँ कि जब मैं बिगनिंग में आया था मैं इतना नर्वस होता था, ये लोग तो नर्वस ही नहीं है, आज के ज़माने में परफॉर्मेंसेज हैव गॉन अ वेरी हाई लेवल, सो आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट एंड स्पेशली द टीम ऑफ यारम, एंड दिस फिल्म इज़ अ डिलाइट टू वॉच, आई सॉ द होल फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म बनी है, बड़ा अच्छा सोशल मैसेज है, बहुत अच्छे रिलेशनशिप है फिल्म में, और मज़े की बात यह है कि मैंने अभी हाल ही में अपनी बिटिया की फिल्म देखी छिछोरे, वो भी दोस्ती पे है, और दोस्ती इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है कि सके भाई बहन से ज़्यादा अगर रिलेशनशिप होता है वो दोस्तों में होता है, और वो छिछोरे में देखी और वैसा ही एक इमोशनल एटमोसफियर इस फिल्म में था यारम में, जो फिल्म है दोस्ती के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर, ये नहीं कि लड़का लड़का हो तो दोस्ती होती है, लड़का लड़का लड़की लड़की इमोशंस तो सांझे होते हैं, तो आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट। सर मैम इसके अलावा एक और टॉपिक उन्होंने उठाया था आरे को लेके, कहीं ना कहीं उसे दबाने की कोशिश की जा रही है, आरे क्या है, आरे के जो पेड़ कट रहे हैं सर, सर वो देखिए देखिए मेरी बिटिया ये हरियाली को बहुत प्यार करती है, उसके बेडरूम के अंदर इतने पौधे हैं कि उसका बेडरूम भारी पड़, शी लव्स ग्रीनरी, और मेरा हमेशा साथ है उसके सोच के साथ, श्रद्धा की कि ये जो नेचर है ऑलरेडी हम इतना डिस्ट्रॉय कर चुके हैं कि क्लाइमेट चेंज, और जहाँ सर्दी पड़ रही है वहाँ गर्मी पड़ रही है, जहाँ गर्मी पड़ रही है वहाँ सर्दी पड़ रही है, जहाँ बारिश पड़ रही है इतनी पड़ रही है कि एक महीने से रुकी नहीं रही है, एक्सटेंशन हो रहा है, तो ये सब चीज़ हम लोगों ने किया है, तो हमको ये जो हरियाली है, ये दरख्त है, उसका कुछ और रास्ता निकालना चाहिए, उनको काटना नहीं चाहिए, जो नेचर ने दिया है उसको अभी हमें संभाल कर रखना चाहिए। महाराष्ट्र से क्या अपील करना चाहेंगे आप आरे को लेकर? मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को यही बोलूँगा कि आप लोग बहुत कमाल के हैं, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे आर डूइंग वंडर्स, तो इसका भी बहुत अच्छा रास्ता निकलेगा नेचुरली 100%। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इससे पहले कि आप कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, काफी अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं, क्या कहना चाहिए? Actually overwhelmed. Abhi trailer release hua and people are talking like really good things about it. My friends are here and they also love the trailer. So yeah, we are hoping that the movie turns out to be a hit and we have put our heart and soul into the film and I hope you all feel that or like it. That's about it. And I guess you're the first ones, even we haven't seen. I saw the trailer with you. So my reaction was as organic as yours. So you tell, kaisa laga trailer? Hame acha laga. Acha laga. बढ़िया लगा। सो आई एम प्लेइंग मुस्लिम गर्ल इन द फिल्म एंड इट्स अ स्टोरी अबाउट थ्री फ्रेंड्स दे इन कॉलेज एंड हाउ देयर रिलेशनशिप इवॉल्व्स एंड हाउ देयर फ्रेंडशिप एंड लव बिटवीन देम इवॉल्व्स एंड या एंड एज वी जस्ट डिस्कस्ड इज अ सोशल इशू दैट वी ट्राइंग टू टच एज वेल बट वी ट्राइंग टू कन्वे थ्रू अ वेरी लाइट हार्टेड मूव
So I hope you guys relate to it, resonate with it, and enjoy it and love it. Ma'am, how fun it was shooting in Malaysia? Oh, it was, so it was a one scheduled film. So it was, we were all together for 40 days. We were all stuck in Mauritius. But it was my first time in Mauritius, so it was pretty much fun. The place is very beautiful. Beaches, sand, little mountains, hills. So yeah, I think so. And we were in Mauritius at the best time of the year. So it was light winter. Matlab, it was nice, breezy at night. So yeah, we had fun, and we had a lot of fun shooting the film. So I hope it transcends on screen, and even the audience can relate to it and have as much fun as watching the film as we had while shooting the film. Finally, what kind of experience overall? It was a great experience. It was more like a vacation because I had a lot of offs. So it was fun. It was my first time in Mauritius as well. And I loved it. I absolutely loved it. I had a great time. And plus, my co-actors were absolutely amazing. They made me instantly comfortable. It was fun. Yeah. Experience was actually shooting with the co-stars. It was my first time again with Prateek, with Siddhant. Even Subha, we met on the sets only. So yeah, it was. I had a great fun while shooting the film, and aisa laga nahi that for 40 days we were working. It felt like we were on a paid vacation. So yes, it was overall a very good experience, very enriching experience. Thank you so much. Thank you.